ये घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है और उसे देख के आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहां के लोगों से डिफरेंट थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा सा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आया है। इसी बीच वो कुछ समझ पाए तब उसकी और तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में टाइम ट्रैवल से जुड़े हम कुछ ऐसे किस्सों के बारे में आपको बताएंगे कि आप जानकर हैरान ही रह जाएंगे। ऐसी जानकारी समय सर पाते रहने के लिए हमारी चैनल NB1 Fact को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, जो कहानी अभी आपने सुनी उसके बारे में अगर आगे बताए तो उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसकी सभी चीजों की तलाशी ली गई तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें मिली। उन चीजों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबीले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रोडोल्फ फेंस नाम लिखा था और उस पर 5th Avenue इस प्रकार का पता था, और उसके पास से $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे, और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। ये सभी चीजें पुरानी होकर भी बिल्कुल नए लग रहे थे और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमय चीजों को देखकर वहां के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे, और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सलोन की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहां के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत की, उनको भी उस जगह से उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला वहां पर 5th Avenue का एक ऑफिस था, पर वहां कोई भी रुडोल्फ फिंस नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसके रुडोल्फ फेंस नाम से ही जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी पे एक नाम दिखा, वो था रुडोल्फ फेंस जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, वहां पर जाके पता चला कि रुडोल्फ फेंस जूनियर की मौत 5 साल पहले हो चुकी है, मगर उनकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनके पति का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने गए तो फिर रुडोल्फ फेंस जूनियर के पत्नी ने जो बातें बताई वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। दोस्तों विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रुडोल्फ फेंस सीनियर, ये व्यक्ति रुडोल्फ फेंस जूनियर के पिता है और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे, उसके बाद ना ही वो घर वापस आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी तब की थी। ये पूरी बातें सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई वो सब सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया था ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे ये निष्कर्ष निकला कि रुडोल्फ फेंस ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय से 75 इयर्स आगे भविष्य में आ गए थे। ये दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाए उससे पहले ही उनकी उस सड़क पर हादसे में मौत हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ फेंस को एक टाइम ट्रैवलर माना जाता है जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रैवल करके भविष्य में 75 इयर्स आगे आ जाता है। टाइम ट्रैवल की और ऐसी कहानियां हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में समय यात्रा की जा सकती है। दोस्तों, आपको बताते हैं सर विक्टर गोराड की भविष्यवाणी की उड़ान 1935 की ये घटना। जब विक्टर गोडार अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का डिसीजन लिया जो एडिनबर्ग के शहर के करीब था, मगर कुछ समय बाद उसके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया, और कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वो एक अलग ही एयरपोर्ट पे आ गए जो देखने में बहुत आधुनिक दिख रहा था।
ये सब देखकर वो घबरा गए क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और ये पूरा कार्यरत था। दोस्तों विक्टर गोडार्ड ने वहां और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था, वहां 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। ये सब देखकर वो घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया। और फिर वो उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वो रास्ता भटक गए, मगर तूफान शांत होने के बाद वो किसी तरह अपने शहर पहुंचे। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों ने यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा था और तो और वो पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए थे। इसका मतलब कि सर विक्टर गोराड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे गए थे और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। एक और घटना आपको बताते हैं, 400 साल पुराने मकबरे में मिली स्विस घड़ी। दोस्तों जब रिसर्चर ने 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चीन के शांगसी में मिंग राजवंश से संबंधित एक अछूत चाइनीज मकबरे को खोला, तब कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली, जिसमें 10:06 और टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि वो घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। रिसर्चर के लिए ये एक रहस्य बन गया कि ये अंगूठी के आकार की घड़ी जो स्विट्जरलैंड में पाई जाती थी तो यहां कैसे पहुंची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी और 1780 के बाद कहीं भी रिंग के आकार की घड़ियों में लोकप्रिय होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस रहस्य को और गहरा करता है। इसलिए कुछ विचारवंत इस स्विस वॉच को टाइम ट्रेवल की घटना से जोड़ते हैं। दोस्तों आपने हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में समय यात्रा को बड़े ही अनोखे अंदाज में देखा होगा। इन्हें देखने के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या हकीकत में भी समय यात्रा को अंजाम दिया जा सकता है, या भविष्य में समय यात्रा के लिए टाइम मशीन को बनाया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे। दोस्तों समय यात्रा की अवधारणा लंबे समय से भौतिक वैज्ञानिकों के साथ साथ नॉर्मल लोगों को भी रोमांचित करती आई है। मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1905 में सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड में टाइम और स्पेस चादर के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर ये चादर नीचे मुड़ती है, जिसके चलते समय रेखा में एक बदलाव देखने को मिलता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत के आधार पर समय यात्रा करने के कई तरीकों को खोजा है, जिनका इस्तेमाल करके हम समय में यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों आपके क्या विचार है समय यात्रा की इस घटनाओं के बारे में, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें, और ऐसी ही जानकारी समय सर पाते रहने के लिए हमारी चैनल NB1 Fact को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।